जब हम देश की सेना के लिए, कॉर्पोरेट के लिए और सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए आज के युवाओं के यहां पर प्रशिक्षित करने के पहले बैच के सामने बैठे हैं, तो इट इज स्किल हब टाइगर फॉर सिक्योरिटीज के माध्यम से ये जो होगा इसमें युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे, सेना में अपनी सेवाएं करने के लिए भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है आज एक छोटे बैच से हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन एक साल के अंदर कम से कम 500 युवाओं को प्रशिक्षित करके 500 की संख्या काफी होती है। अगर आपके पहले बैच ठीक ट्रेंड शुरू किया तो आने वाले समय में और युवाओं को भी बड़े बड़े अवसर मिल सकते हैं। इसी तरह से ही अगर आप में से लोग भारतीय सिक्योरिटीज में भी जाएंगे, जो टाइगर फॉर सिक्योरिटीज या सिक्योरिटी सेक्टर में जाएंगे, तो जिसके उद्योग की आप रक्षा करने जा रहे हो, सुरक्षा देने जा रहे हो, या जिस व्यक्ति को भी आप देने जा रहे हो, वो सुनिश्चित रहता है क्योंकि उसको आपके ऊपर भरोसा होता है। उस भरोसे को हमने टूटने नहीं दिया। बहुत लोग आएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, कुछ दूसरे तर्ज पर ले जाना पड़ेगा। आपको समझना होगा कंपनी का मालिक कोई और हो सकता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे। आपसे निवेदन रहेगा आप सब लोग आगे बढ़कर आए। इट इज स्किल्स ऑफ टाइगर फॉर सिक्योरिटी प्रयास हम सब मिलकर आप सबके लिए और संभावनाएं पैदा करेंगे और अवसर लेकर आएंगे। साथ चलेंगे सर, चैलेंज लेने के लिए तैयार, काम करने के लिए तैयार, स्ट्रांग हो ना बिल्कुल। कोई ऐसा तो नहीं कि वापस घर गांव की याद आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस बैच के ऊपर बहुत निर्भर करता है। समय जो आप सिस्टम सेट कर दोगे ना, अगले 10 बैचेस के लिए वैसा ही है।